हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल मूवी शॉर्ट्स। आज मैं 2015 की एक थ्रिलर ड्रामा मूवी द कॉर्प्स ऑफ एना फ्रिट्ज को एक्सप्लेन करूंगी। ये कहानी एक एना नाम की एक्ट्रेस की है जिसके मरने के बाद तीन आदमी मॉर्ग में घुसकर उसके साथ इंटीमेट होते हैं और एना के साथ क्या क्या बुरा होता है जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं कि एना फ्रिट्ज की बॉडी को मॉर्ग में ले जाया जा रहा होता है। एना बहुत ही फेमस और ब्यूटीफुल एक्ट्रेस थी जो एक पार्टी के दौरान अचानक से मारी जाती है और कल उसकी पोस्टमार्टम की डेट होती है। मॉर्ग में पहुंचने के बाद एक पाओ नाम का वार्डमैन एना की डेड बॉडी की न्यूड पिक्चर्स लेकर अपने दोस्तों इवान और जावी को भेज देता है। पिक्चर्स देखने के बाद इवान और जावी दोनों हॉस्पिटल आ जाते हैं। वो पाओ से एना की और पिक्चर्स मांगते हैं लेकिन पाओ मना कर देता है। फिर ये तीनों बाहर ड्रिंक करने चले जाते हैं। ड्रिंक करते वक्त इवान और जावी पाओ को एना की बॉडी दिखाने को बोलते हैं। पाओ मान जाता है और दोनों को एना की बॉडी के पास ले जाता है। एना की बॉडी को देखकर इवान से रहा नहीं जाता और वो उसे टच करने लगता है। वो पाओ से एना की बॉडी के साथ इंटीमेट होने के लिए बोलता है और कहता है कि ये बात किसी को मत बताना। पाओ भी मान जाता है और कन्फेस करता है कि उसने पहले भी एक 17 साल की लड़की की बॉडी के साथ ऐसा किया है। फिर पाओ जावी को लेकर साथ वाले रूम में चला जाता है और इवान एना की बॉडी के साथ इंटीमेट होता है। पाओ भी ये मौका मिस नहीं करना चाहता था और इवान के बाद वो भी जाकर उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। लेकिन इसी बीच एना जिंदा हो जाती है और पाओ को अपने साथ इंटीमेट होते हुए देख लेती है। एना को जिंदा देख इवान और पाओ दोनों डर जाते हैं क्योंकि ये दोनों ही एना के साथ इंटीमेट हुए होते हैं। जब भी किसी की आवाज आती है ये सब जल्दी से एना की बॉडी को ढक कर छुप जाते हैं। एना जिंदा तो हो गई थी लेकिन उसकी बॉडी अभी भी पैरालाइज थी, जिस वजह से जब वार्ड बॉय वहाँ आता है तो एना कुछ नहीं कर पाती और वो बाहर से गेट को बंद करके चला जाता है। फिर इवान और पाओ बात कर रहे होते हैं कि अगर उन्होंने एना के बारे में किसी को बताया तो उन्हें जेल हो जाएगी, इसलिए वो एना को फिर से मारने का प्लान बनाते हैं ताकि किसी को कुछ पता ना चले। लेकिन जावी उनकी बात नहीं मानता और एना को खुद ही बाहर ले जाने लगता है, पर डोर में लॉक लगे होने की वजह से जावी बाहर नहीं जा पाता। जावी हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है और इवान उसको पंच कर देता है, जिसके बाद दोनों की लड़ाई हो जाती है और इवान जावी को मार मार कर अधमरा कर देता है। पाओ जावी को इवान से छुड़ाता है, जिसके बाद वो देखते हैं कि जावी कोई जवाब नहीं दे रहा है, लेकिन वो अंदर बंद थे और जावी की हेल्प नहीं कर सकते थे, इसलिए वो लॉक खुलवाने के लिए एक प्लान बनाते हैं। वो एना और जावी दोनों के साथ वाले रूम में बंद कर देते हैं। इवान एना के साथ ही रुकता है ताकि वो शोर ना मचाए। फिर पाओ दूसरे वार्ड बॉय को बुलाकर लॉक खुलवा लेता है, लेकिन जब तक जावी मर चुका होता है। अब ये दोनों डर जाते हैं क्योंकि इन्होंने एक मर्डर कर दिया था। जब भी एना दोनों से कहती है कि मुझे जाने दो, मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन इवान मना कर देता है। इवान पाओ को बाहर ले जाता है और प्लान बनाता है कि पहले हम जावी की बॉडी को हॉस्पिटल के बाहर पड़े डस्टबिन में फेंक देंगे और फिर वापस आकर एना को मार देंगे। उसी वक्त एना रूम में बेड पर से नीचे उतर जाती है और जावी का फोन लेकर कॉल करने लगती है, लेकिन उसी वक्त इवान अंदर आ जाता है और फोन छीन लेता है। इवान एना से पूछता है कि उसने किसको कॉल लगाया था, तो एना बोलती है कि मैंने अपने डैड को कॉल किया था और मैंने उनको बता दिया है कि मैं जिंदा हूँ, वो यहाँ आते ही होंगे। फिर इवान पाओ को बोलता है कि अब हम फंस चुके हैं और कुछ नहीं कर सकते, इसलिए दोनों सबको सच बताने के लिए एना को बाहर लेकर जाने लगते हैं। तभी जावी के फोन पर कॉल आती है। ये वही नंबर था जिस पर एना ने कॉल करी थी, लेकिन उस वक्त उस आदमी ने कॉल नहीं उठाई थी और उसका मतलब था कि अभी तक उसको एना के बारे में कुछ नहीं पता था। इवान रॉन्ग नंबर बोलकर कॉल कट कर देता है। तभी वो एना को वापस उसी रूम में ले जाता है और उसे वहीं बंद कर देता है। इवान पाओ को एना के पास छोड़कर डस्टबिन लेने बाहर चला जाता है। जब इवान बाहर होता है तो एना पाओ को इवान के खिलाफ भड़काती है। वो कहती है कि जावी को इवान ने ही गला दबाकर मारा था और वो ये भी बोलती है कि तुम मुझे छोड़ दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। लेकिन पाओ कहता है कि उसे जेल नहीं जाना और एना के मुंह पर टेप लगा देता है। फिर पाओ जावी का गिरा हुआ ब्लड साफ करने चला जाता है। इसी बीच एना बेड से उतरकर भागने की कोशिश करती है। वो लिफ्ट तक पहुंच ही जाती है पर तभी वहां इवान आ जाता है और उसे देख लेता है। वो उसे घसीटते हुए वापस उसी रूम में ले जाता है। उसके बाद ये दोनों एना के मुंह पर कपड़ा रखकर उसकी सांसें रोक देते हैं, जिससे एना फिर से मर जाती है। फिर ये दोनों जावी की बॉडी को डस्टबिन में डाल देते हैं। इवान डस्टबिन को बाहर लेकर जाता है और पीछे से पाओ एना की बॉडी को साफ करके सारे सबूत मिटा देता है। जैसे ही पाओ बाहर जाने लगता है,
उसे ऐना के खांसने की आवाज आती है, जिससे वो समझ जाता है कि ऐना जिंदा है। लेकिन पाओ ऐना को कहता है कि तुम ऐसे ही लेटे रहना, मैं इवान को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। जैसे ही इवान और पाओ लिफ्ट के पास पहुँचते हैं तो इवान देखता है कि उसका एक कार्ड अंदर ही रह गया है। वो कार्ड लेने वापस जाता है और देखता है कि ऐना कपड़े बदल रही होती है। इवान पाओ पर बहुत गुस्सा करने लगता है, दोनों में बहस होने लगती है और इवान भी ऐना को जिंदा छोड़ने के लिए मान जाता है। लेकिन तभी ऐना पीछे से उसे सिजर्स से स्टाब करती है, जिससे वो मर जाता है। पाओ कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, वो तुम्हें जिंदा छोड़ने के लिए मान गया था। तभी ऐना पाओ को भी सिजर्स से मार देती है और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। Thanks for watching our video. Hope you all enjoyed. So don't forget to like, comment and share our video. Do subscribe for more videos.